शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज उनकी सीबीआई कस्टडी खत्म हो रही है, इसलिए आज सीबीआई उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी, जहां वो केजरीवाल से पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी, जबकि केजरीवाल की तरफ से उन्हें जमानत देने की मांग की जाएगी। वहीं आज आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश में हल्ला बोल करने वाली है। आम आदमी पार्टी का कहना है, शराब घोटाले के मामले में ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन इसके अगले ही दिन ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई और केजरीवाल की जमानत पर स्टे लिया। इस मामले में हाई कोर्ट से जमानत पर लगी रोक हटने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन तभी सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और यह सब कुछ बदले की भावना से किया जा रहा है। केजरीवाल को जेल के अंदर रखने की एक साजिश है, यह आरोप है आम आदमी पार्टी का। आपको बताते हैं कि सीबीआई आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर क्यों लेना चाहती है, जांच एजेंसी केजरीवाल से क्या क्या पूछताछ करना चाहती है। आपको बताते हैं कि सीबीआई ने केजरीवाल पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। इसी बीच दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ईडी की यह चार्जशीट इसलिए अहम है क्योंकि इसमें उस मनी ट्रेल का जिक्र है जिसके तहत आम आदमी पार्टी को गोवा चुनाव के लिए रिश्वत की रकम मिली थी। ईडी का दावा है कि यह रकम हवाला के जरिए विनोद चौहान नाम के शख्स से आम आदमी पार्टी को मिली और दिनेश अरोड़ा नोटों से भरे दो बैग विनोद चौहान को देता है। विनोद चौहान ये पैसा गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को देता है। अभिषेक बुन्ना पिल्लई के कहने पर दिनेश ने नोट वाले बैग दिए थे। बीआरएस की नेता के कविता के स्टाफ ने भी इसका खुलासा किया था। तो ईडी की नई चार्जशीट में विनोद चौहान को आरोपी बनाया गया है। विनोद पर आपको रिश्वत का पैसा पहुंचाने का आरोप है। हवाला के जरिए विनोद चौहान ने रिश्वत का पैसा पहुंचाया था। अब दिल्ली शराब घोटाले में विनोद चौहान 18वां आरोपी है। दिनेश अरोड़ा नोटों से भरे दो बैग विनोद चौहान को दिए थे।